सच ही खबर है। एनपी न्यूज ने अपने देखने वाले नाज़रीन को हमेशा सच्ची खबर से आगाह रखा है। 4 जुलाई को होने वाले वाकया में, जिसमें तमाम मीडिया चैनल्स पर नश्र होने वाली खबर में बताया गया था, भतीजे ने चचा को 5,000 रुपए के तनाजे पर गला दबाकर कत्ल कर दिया था। इसके असल हकायक एनपी न्यूज ने हासिल कर लिए। एफआईआर में नामजद गवाह और महल्लेदारों ने इसकी तर्दीद कर दी। तो मैं गुजर रहा था यहाँ से, तो ना उसका बेटा बाहर आया जिधर कोर्ट हुआ है, तो उसने ऐसे कहा यार भाई मेरे जो पापा का ना वो लड़े आपस में, वो छुड़ा दो यार। अंदर गया तो दोनों मुंह मारी आपस में हो गया, फिर एक को खींच के मैं बाहर ले आया लड़के को, तो वो फिर घर चला गया अपना। थोड़ी देर के बाद उनको अटैक हो गया और वो हार्ट का मरीज है, कटालो जी की उसकी फाइल बनी हुई है, आप पता कर सकते हैं। क्योंकि पहले भी ये इसी तरह चलता रहा है, जो कुछ भी था ये लड़का ही अपने बाप के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा जी मेरी बीबी का ये है वो है, बड़े मामला इनके हुए हैं। और हमने आके इनका सिर्फ हाल ही जो था ना वो यही निकालते रहे कि यार सुना सफाई से रहते रहे, लेकिन आज यहाँ तक नौबत आ गई है कि पता ही नहीं चला कि कैसे ये वाकया हो गया। अब आप देखें कि वो अंदर बैठा हुआ था, उसको हार्ट अटैक हो गया, बाहर लाए हैं, उसको पंपिंग करते रहे हैं ये बाहर गली में रख के, शालीमार हॉस्पिटल ले गए, उसके बाद उन्होंने कहा जी उसकी डेथ हो गई है। अगर वो यहाँ पर मरा है तो फिर वो शालीमार वालों ने कैसे उसको डिक्लेयर कर दिया कि जी वो वहाँ जाके मरा है। ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन वालों को सोचनी चाहिए ना कि इन्वेस्टिगेट करके एक बच्चे को आपने 302 में अंदर कर दिया है जिसका कोई कसूर नहीं, उसका एक बच्चा बेचारा वैसे ही मजदूर है, एक बच्चा इसका मकसद ये नहीं है कि एक बंदा गरीब हो तो उसको सजाए मौत ही देनी मस्ट हो गई है। आप इस तरह इधर भी नजर करवाएं ना, ये जो अंदर बैठी हुई हैं इनके जो वाइफ है इसकी जो जिसने पर्चा करवाया इसकी तरफ आएं। और ये इंकशाफ भी किया कि वालदा की वफात के बाद बहू और बेटे के अब्दुल हफीज के साथ जाती मामूलात भी काफी हद तक खराब थे, मुतअद्दिद बार घरेलू झगड़े भी हुए। अहले इलाका का कहना था कि मोहम्मद हफीज के बहू और बेटे से भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, बहुत से हकायक सामने आ जाएंगे। आसिफ वल शौकत के घर वालों ने पुलिस और आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन वकास मलिक के साथ जीनत खान, एनपी न्यूज़, लाहौर।